सो आप अपने सेलिब्रिटीज को देखते हो और उन्हें एक बार न्यूट्रिशन एडवाइस देती है आपको, फॉर एग्जाम्पल कि सॉल्ट कम खाओ अगर आपको मेरी दिखना है या फिर मेरी बॉडी बनानी, तो मेरी नहीं मतलब आपकी फेवरेट एक्टर के हिसाब से आप सुन लेते हो और फिर आप उसी जंग में लड़ जाते हो कि ठीक है मुझे उनकी तरह बॉडी बनानी है तो मुझे सॉल्ट कम करना पड़ेगा, मुझे शुगर कम करना पड़ेगा। लेकिन ये किस हद तक सच है, अगर आप कभी आपने रॉक का इंटरव्यू देखा होगा तो रॉक कभी भी न्यूट्रिशन एडवाइस नहीं देते हैं, ऑल्दो ही वॉज और ही बिलोंग टू दैट फील्ड ऑफ यू नो फाइट एंड एवरीथिंग, जहाँ पे उनको पता होता था कि उनको क्या खाना है कैसे खाना है, लेकिन कभी भी उन्होंने खुद से न्यूट्रिशन एडवाइस नहीं दी है। उन्होंने अपने कोचेज रखे हैं और जब भी कोई उनसे पूछता है अबाउट हिज हेल्थ अबाउट हिज न्यूट्रिशन, तो वो अपने कोचेज को सामने कर देते हैं कि ठीक है भाई ये मेरे कोच थे, इन्होंने मुझे गाइड किया और इनके वजह से मैं ये बॉडी अचीव कर पाया हूँ। बट हमारे बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता है, हमारे बॉलीवुड में हमारे एक्टर्स हमारे हीरो बन जाते हैं और आपको न्यूट्रिशन एडवाइस देना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है अनटिल अनलेस आप अपनी रिसर्च करके बात कर रहे हो। तो ऐसे ही मैंने एक बॉलीवुड सेलेब की मैंने बातें सुनी और उन्होंने कहा था कि अगर आपको बॉडी बनानी है देन यू हैव टू लीव सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अब इस बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों को पता है कि जब भी आप रिसर्च पर या साइंस की बात करते हो इन बॉलीवुड सेलेब से, उनकी बोलती बंद हो जाती है या वो बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि एक्चुअली साइंस क्या है इसके पीछे, क्योंकि उन्हें वो ही नहीं पता है कि इन्होंने सच में बंद किया था या नहीं बंद किया था। दे आर फॉलोइंग सम डाइट जहाँ पर उनके ट्रेनर ने उनको बोल दिया कि ठीक है बंद कर दो और उन्होंने बंद कर दिया, बस उस चीज़ पे वो श्योर रहते हैं कि ठीक है दिस इज द राइट एंड आई हैव टू क्विट सॉल्ट। लेकिन सच ऐसा नहीं है, इस समुद्र में जहाँ पे सब नमकीन चीज़ें हैं वहाँ पे कुछ सच्चाइयाँ भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सॉल्ट इज द बेस्ट, बट सॉल्ट इज नॉट द वर्स्ट ऑल्सो। सो इन टूडेज मंडेज मिथ बस्टर हम बात करने वाले हैं कि सॉल्ट बेस्ट है या वर्स्ट है, या फिर क्या क्या मिथ है उनको कैसे सॉल्व करना है उनके अराउंड जाकर। अब एक रिसर्च पेपर की बात करूँ तो उस रिसर्च पेपर के हिसाब से अगर आप एक्सेस में सॉल्ट कंज्यूम करोगे तो आपको हो सकता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब क्या, हाई ब्लड प्रेशर, प्लस आपको हो सकता है किडनी डैमेज। किडनी डैमेज मतलब सबको पता ही एक्चुअली, और ज़्यादातर आपको हो सकता है कॉग्निटिव डिसीज। अब कॉग्निटिव डिसीज में क्या होता है, कॉग्निटिव डिसीज डिक्लाइन, उसका मतलब क्या होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस और लॉस ऑफ कंट्रोल। जी हाँ ये सब हो सकता है हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट। लेकिन ये डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि अगर आप सॉल्ट को ब्लेम करना बंद कर दोगे तो। अब मुझे पता है कि एक्सेस में सॉल्ट खाओगे तो इश्यूज होंगे, लेकिन कैसे होंगे और कब होंगे उस बारे में बात करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए सॉल्ट इज वन ऑफ द एसेंशियल मिनरल्स इन आर बॉडी। सॉल्ट में होते हैं सोडियम और सोडियम की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है हमारी बॉडी को, लेकिन इसमें भी इश्यूज कैसे क्रिएट होते हैं। रीजन नंबर वन, अगर आप बहुत ज्यादा सॉल्ट खा रहे हो लेकिन आपका पोटेशियम इंटेक बहुत ही कम है तो इसके साथ आपका सॉल्ट इशू हो सकता है। रीजन नंबर टू, ये मैटर करता है कि आपका सॉल्ट का सोर्स क्या है। मतलब अभी आप अपने खाने में नमक डालोगे, दाल में नमक डालोगे तो ये सब फाइन, इट्स फाइन, कम्प्लीटली ठीक है, लेकिन और क्या क्या सोर्सेस है। तो सोर्सेज ये हैं कि हम जितने प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल पिज्जा बर्गर, इसमें कहीं ज्यादा सोडियम होते हैं और ये सोडियम की वजह से आपका होता है एक्सेसिव वेट गेन, क्योंकि आप उस फूड पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। समझो आपके फ्रेंड ने एक पार्टी दी और आप गए हो कहीं चाइनीज रेस्टोरेंट पे या फिर आप गए हो पिज्जा खाने, अगर आपके सामने पिज्जा का स्लाइसेस आएंगे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको अगर आपकी डाइट में एक या दो स्लाइस रिकमेंडेड है आप 4 से 6 स्लाइसेस खा लोगे। क्यों, क्योंकि उतना टेम्पटिंग है वो, और जितना आप उसको कंज्यूम करोगे उतनी आपकी भूख बढ़ते जाती है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस्ड सॉल्ट। अब ये एक इशू डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, लेकिन एक और इशू है जिसको बोलते हैं सॉल्ट सेंसिटिव पर्सन। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो सॉल्ट सेंसिटिव है, मतलब जिनको सॉल्ट पचता ही नहीं है, हजम ही नहीं होता है। लेकिन इनसे किसी भी क्लेम का हम विश्वास नहीं कर सकते जो हमारे बॉलीवुड सेलेब्स ने किए हैं कि गाइस सॉल्ट खाना बंद करो इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव दैट बॉडी, क्योंकि वो सच नहीं है। अगर एक रिसर्च पेपर की माने तो अगर आपने सॉल्ट खाना कम भी किया still will not lose weight because आपकी कैलोरी इंटेक अभी भी हाई हो सकती है। अब क्या करें, अब इसी चक्कर में एक रिसर्च कर ली गई, चलो सब बोल रहे हैं अगर लो सॉल्ट या लो सोडियम इंटेक इज बेस्ट हमें वेट लूज करने के लिए या फिर हमें अच्छे शेप देने के लिए, तो इस पर एक रिसर्च ही कर लेते हैं। और जब रिसर्च की गई पता किया गया तो लो सोडियम इंटेक और जो हाई सोडियम इंटेक या फिर जो नॉर्मल इंटेक होता है सोडियम का, उसमें कोई भी फर्क नहीं आया। तो मतलब आपके जो सेलेब्स क्लेम कर रहे हैं स्टॉप ईटिंग सॉल्ट, ये कम्प्लीटली गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है। अब बात करते हैं कि और क्या क्या पता चला है मेरे रिसर्च में। तो रिसर्च में ये पता चला है कि अगर आप सॉल्ट ज़्यादा खाओगे मतलब सोडियम का इंटेक ज़्यादा होगा, या सोडियम का इंटेक बहुत ही कम होगा, तो आप सफर कर सकते हो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से, मतलब हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड इशू, या फिर कोई भी आपके कार्डियक मतलब आपके दिल से सीने से जुड़े हुए कोई भी इशू, आप उसे सफर कर सकते हो, कोई बीमारी से सफर कर सकते हो। तो कंक्लूजन क्या है,
सौरभ भाई बताओ कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन ये है कि सॉल्ट कंट्रोल करना इज इम्पॉर्टेंट, बट ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? जो सॉल्ट सेंसिटिव है। हम सॉल्ट सेंसिटिव नहीं है, हमें सॉल्ट खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना आपको चक्कर आता है, ना आपको डायरिया होता है, ना आपको लूज मोशन होते हैं। तो आप सॉल्ट कंज्यूम करो भाई आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको कंट्रोल कहाँ करना है? आपको कंट्रोल करना है अपने प्रोसेस फूड पे, बिकॉज वो प्रोसेस फूड में जो सॉल्ट है दैट हेल्प यू टू ईट मोर। आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जाओगे, कोई भी बर्गर जॉइंट पे जाओगे, अगर आप एक बर्गर खाओगे तो आपका पेट फॉर अ सेकेंड या फॉर अ मिनट के लिए भरा रहेगा, लेकिन आधे एक घंटे बाद, दो घंटे बाद आपको वापस भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस फूड, प्रोसेस सॉल्ट। तब हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि मैं दाल में नमक कम खाऊंगा, मैं अपने सब्जी में नमक नहीं डालूंगा, ओ भाई मैं तो अंडे में नमक नहीं डालूंगा, मैं एक भुर्जी एक बिरयानी बनाऊंगा लेकिन नहीं, नमक नहीं खाना है बिकॉज आई एम ऑन लो सॉल्ट लो सोडियम डाइट। ये नहीं करना। हमें अपनी सॉल्ट पे इंटेक पे ध्यान रखना है, लेकिन इतना भी नहीं रखना है कि यार खाने में सॉल्ट छोड़ दो। इतना ध्यान रखना है कि हम जो बाहर से प्रोसेस फूड खाते हैं उन पे हमारा कंट्रोल रहे, ताकि हम अपना वेट गेन ना कराएं और अपना सॉल्ट इंटेक भी एक रिकमेंडेड हेल्थ के अंदर रख पाए। सो बाहर का खाना छोड़ दो या फिर कम खाओ, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय वीडियो। सो मिलते हैं फिर कभी और इस और वीडियो में। टिल देन स्टे फिट स्टे हैप्पी। बहुत टाइम बाद बोला, बाय। वन मोर थिंग, आई एम अ बिग फैन ऑफ अक्षय कुमार, लेकिन मैं कभी भी अक्षय कुमार की कोई भी न्यूट्रिशन एडवाइस फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो वो बोल रहे हैं वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, ये जनरल पॉपुलेशन पे वर्क नहीं करेगी। दैट्स इट।